हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जानकी जोशी, उत्तराखंड से, और आज मैं निकल चुकी हूँ अपने घर हल्द्वानी की तरफ को। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गरुड़ में, और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराने वाली हूं बैजनाथ मंदिर के। आपने काफ़ी बार सुना होगा बैजनाथ के बारे में, तो आज मैं आपको बैजनाथ मंदिर के दर्शन कराने वाली हूं। और अभी हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर के गेट पर, और ये मंदिर बिल्कुल ही रोड के किनारे से ही बसा हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। बहुत ही सुंदर सा रास्ता बना है नदी के किनारे। गोमती नदी है साइड में, और गोमती के किनारे से ही ये मंदिर बना हुआ है। आप देखेंगे आगे कितना खूबसूरत मंदिर है, और ये मंदिर है शिव जी का। तो यहाँ पर शिव जी बसे हुए हैं, तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा मंदिर, तो आप बने रहिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरती आपको दिख रही होगी, कि लग ही रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत दर्शन होने वाले हैं आज आपको। तो ये आ गया है मंदिर सामने से, तो अभी हम मेन गेट पर पहुंचने वाले हैं। और ये ऊपर जो आपको मार्केट दिख रही है, ये है गरुड़ मार्केट, बैजनाथ मार्केट है। गरुड़ मार्केट थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे है यहाँ से। और यहाँ की खूबसूरती तो देखने लायक है, और यहाँ अभी डैम भी बन गया है देखिए। और ये भी है गणेश जी का मंदिर यहाँ पर, ये देखिए गणेश जी के साथ यहाँ पर सूर्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ पर अभी पूजा पाठ भी हो गई है, कितना सुंदर लग रहा। हम भी सुबह सुबह ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सूर्य मंदिर के दर्शन के बाद जो मुख्य मंदिर है वो शिव का यहाँ पर है, और यहाँ पर की फ़ोटो वीडियो बनाना वंचित है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, और ये मंदिर बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर है। और यहाँ पर एक अभी ये कृत्रिम झील बना दी है, नहीं तो यहाँ पे झील नहीं थी, पहले ये नदी थी, और अभी यहाँ पर जो है झील बन चुकी है, डैम बन चुका है आगे से। तो इस वजह से यहाँ पर और भी खूबसूरती यहाँ पर लग रही है डैम की वजह से। और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर मछलियाँ हैं इस डैम में, और पहले डैम नहीं था, तब से ही मछलियाँ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए सामने से गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं, और बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर सामूहिक मंदिर है। काफ़ी देवी देवताएं हैं यहाँ पर, और बहुत छोटे छोटे लिंग जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं मंदिर में। तो ये देखिए छोटे छोटे लिंग से बने हुए हैं, और गोमती के किनारे से मंदिर बनने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरती छा गई है मंदिर में। शुरू से ही है, और भी ज़्यादा, मतलब अभी डैम बनने से और भी ज़्यादा सुंदरता आ गई है। तो ये देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से लोग जो हैं, बहुत ही सुबह सुबह ही लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, कत्यूरी राजाओं से ने बनाया था इस मंदिर को। कहते हैं कि 9 लाख जो कत्यूरी राजा थे, उनने एक ही रात में इसको मंदिर को बनाया था, एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और कुछ मंदिर यहाँ अधूरे अधूरे भी हैं, इस यहाँ पर नहीं है, वो जो अधूरे मंदिर हैं वो रोड के उस तरफ को हैं। तो कहते हैं कि जो रात, मतलब सुबह हो गई थी मंदिर बनाते बनाते, तो वो मंदिर जो है वो आधे रह गए थे, तो इस वजह से जो है वो अधूरे मंदिर रह गए हैं। और कत्यूरी राजा उनके बनाए हुए मंदिर हैं ये, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए दर्शनों के लिए आए हैं स्कूल जाते वक्त। और यहाँ पर मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर रहती हैं, और दाना डाल के आती हैं। आज पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं, तो पानी भी बहुत मटमैला सा हो रहा है, बारिश का टाइम है तो पानी भी मटमैला हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी विशाल मछलियाँ हैं। और यहाँ पर की जो मछलियाँ हैं ना, वो उनका भी एक ख़ास रहस्य है, अगर वो मछलियों को कोई मतलब मारेगा तो उनके साथ कुछ अनहोनी होती है। ये भी यहाँ बिल्कुल सच्ची घटना कई हो चुकी हैं इस बारे में। और ये देखिए मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है, और इधर यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है बहुत बड़ा, और शिव का मंदिर है तो पीपल का पेड़ का होना भी ज़रूरी है, वो तो है ही, होता ही है, पीपल का पेड़ जहाँ शिव है वहाँ पीपल है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद मछलियों को दाना खिला के हम आ गए थे वापस मंदिर की तरफ को।
तो अगर आप जाएंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे कितनी खूबसूरती है। गरुड़ में तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत मतलब यहाँ मंदिर हैं। थोड़ा सा आगे जाके एक कोट भ्रामरी का मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर करीबन होगा, 5 भी मुश्किल से होगा। और बैजनाथ से ही एक रोड करती है बागेश्वर को, बागेश्वर भी बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से 20 किलोमीटर बागेश्वर है और 2 या 3 किलोमीटर कोट भ्रामरी का मंदिर है। तो अगर आप लोग जाएं तो पहली बार वहाँ भी दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर दर्शन होने वाले हैं वहाँ जाके आपको। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे घर को, क्योंकि हमने हल्द्वानी जाना था, तो हल्द्वानी जाना है और हम स्कूटी से आए हैं तो काफ़ी लंबा सफ़र है, इससे हम सुबह ही आ गए थे। तो सुबह सुबह बहुत अच्छे दर्शन हो गए आज, और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, रोड के बिल्कुल किनारे से है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और तो मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।